रंग जाऊं तेरे रंग में। मुझे लगता है यहाँ पे लड़का लड़की से ज्यादा नर्वस है। हमें ना आपको एक बात बतानी थी। हम किसी और से प्यार करते हैं। हमारे पापा के पास पैसे नहीं है। हम तो शादी के लिए राजी हुए थे, आप तो सौदा कर रहे हैं। तो भाभी 100 बात की एक बात, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना मतलब लड़कों की दहेज की डिमांड को बढ़ावा दें। एक बात पूछे चाचा आपसे। आप पूछो बेटा। आप भी दहेज लिए थे क्या? मेरी बात कहाँ से बिछा गई? अरे धानी, तुम्हारे चाचा की सगाई से लेकर शादी तक की सारी रस्में हमने अपनी आंखों से देखी है। अरे दहेज के नाम से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली गजेंद्र भैया ने। अरे वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं माता रानी। अगर उस जमाने में चाचा जैसे पापा जैसे लड़के थे जिन्हें अच्छी लड़की चाहिए थी, अच्छा दहेज नहीं, तो उस जमाने में भी होंगे ना। और हमें तो पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल दीदी के लिए पापा एक बढ़िया लड़का चुनेंगे। आपका विश्वास सर आंखों पे, लेकिन बाहर देखिए जमाना कितना खराब हो गया है। अच्छी लड़कियां मिलना कितना जटिल हो गया है। कहा गज्जू, देख रहे हो, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ये आज की लड़कियां हैं, अपने भरोसे, किसी और के नहीं। पर भैया, अरे सब हो जाएगा, लड़का भी मिल जाएगा। बस कॉलेज के लिए बस नहीं मिलेगी। अरे हाँ, चलो जल्दी जाओ। बाय बाय। सिंधु भाई साहब, एक मिनट जरा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करना चाहता हूँ आपसे। जी ऐसी भी क्या बात है, आप संकोच ना करें, बताइए। आपका घर परिवार देखा और आपके संस्कार देखे तो बस यूं समझ लीजिए कि आप सब लोग मेरे दिल में उतर गए। मैं आपकी बड़ी बेटी सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। अंकल जी, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। आप पढ़ाई कर सकती हैं, हमारी तरफ से इजाजत है। दीदी, आप बोल दो ना, क्या दिक्कत है जल्दी प्लीज। दरअसल हम पढ़ाई के बाद घर नहीं बैठना चाहते हैं, जॉब करेंगे। फिर आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो और अच्छी बात है। बचवा, लड़की अगर अपना घर भी संभालती है और अपना ऑफिस भी संभालती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्वगुण संपन्न। वाह, क्या बात कही आपने अंकल जी। जी 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 जी, मतलब ढूंढ वाली बात है ये तो। आज तक हमने जितने भी रिश्ते देखे सबके हाथ दहेज काट दिखे, किसने भी हमारी दीदी से ये नहीं पूछा कि इनकी विश क्या है। लेकिन आप तो इनका करियर प्लान डिस्कस कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि दी को आपके घर से बेटर परिवार मिल ही नहीं सकता। क्या कहती हो माता रानी? आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं बचवा। सिस्टर बोलो।
इस घर में हमेशा से सब मिलकर ही फैसला लेते आए हैं, तो आज तुम ये आदेश काहे सुना रहे हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि रिश्ते जो हैं वो वहां बनते हैं, ये सब संयोग की बातें हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये वही जो राम रचि राख, हमें वहां अच्छा लगा, हमने फैसला ले लिया, अब किस्मत से ये मिली, तो आप लोग मेरा साथ देने के बजाय बात का पतंगड़ बना रही। हमारे भतीजे का जीवन भर का संबंध जोड़ा जा रहा है, कोनो केबल कनेक्शन नहीं है कि पसंद नहीं आया तो एक कटवा के दूसरा लगवा लो। रिश्ता उससे होगा जो हैसियत में हमारे बराबर होंगे। ध्रुव बच्चा, हमने कहा ध्रुव बच्चा जरा इधर आइए। आपके जीवन के मुतालिक बातें हो रही हैं, तो आपका यहां रहना अति आवश्यक है। सुरेंद्र जी, हम काशीनाथ पांडे बोल रहे हैं। हम बस आप ही के फोन का वेट कर रहे थे। हमने आपको यह बताने के लिए फोन किया सुरेंद्र भाई साहब, कि हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का। हमारे पूरे परिवार की तरफ से।